हेलो स्टूडेंट्स माई सर अमन मोहन और आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ यूनिट सिक्स में गैमटो के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्टली डेफिनेशन ऑफ गैमटो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लाइड गैमेट्स फ्रॉम द अनडिफ्रेंशिएटेड डिप्लाइड जर्म सेल्स इन द गुनेट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड कॉल्डोजीज और ऐसी प्रोसेस में क्या होता है हैप्लाइड गैमेट्स बनते हैं फ्रॉम द अनडिफ्रेंश डिप्लाइड जर्म सेल्स से बनते हैं जो कि डिवाइड नहीं हुए हैं जर्म सेल्स गुनेड मीन की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में से फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन उसी को हम क्या बोलते हैं गैमेटोजिनीसिस गैमेट फॉर्मेशन उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स एंड फेसिस ऑफ गैमटिस सिंस द गैमेट्स आर यूजली ऑफ टू टाइप्स क्योंकि ये दो टाइप्स की होती है इज आल्सो टाइप टू टाइप्स ये टू टाइप्स की होगी फर्स्टली स्पर्मेटोजेनेसिस इन बिच द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इसमें स्पर्म बनते हैं एंड द फॉर्मेशन ऑफ ओवा इसमें एग फॉर्मेशन होती है बोथ द प्रोसेसिस आर बेसिकली सिमिलर ये सिमिलर रहती है थ्रू माइनर डिफ्रेंसी इसमें एग्जिस्ट करता है वोथ इन्वॉल्व थ्री इंपॉर्टेंट फेजिस सबसे पहले क्या है मल्टीप्लिकेशन फेज होता है इन बिच द जर्म सेल्स ऑफ द गैट्स मल्टीप्लाई माइटास माइटास के थ्रू ये जर्म सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं तभी इसको क्या कहा गया मल्टीपल फेज सेकेंड ग्रोथ फेज इसमें क्या होता है इन बिच द जर्म सेल्स ग्रो इन साइज इनका साइज इंक्रीज होता है तो ग्रोथ हो जाती है इनमें जर्म सेल्स में थर्ड मैचूरेशन फेज इन बिच इन टू मे द गैमेट्स और फिर गैमेट्स बनते हैं और सेल्स मैच्योर होते हैं जर्म सेल्स थैंक यू